माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो सबसे पहले इस तरह का आपका पेज चला आएगा, ठीक है। और जो सबसे जो पेज आया आपका, इसको कहते हैं हम लोग टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। टाइटल बार काम है जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं उसका नाम दिखलाता है, उसे टाइटल बार कहते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर कोई आपसे पूछेगा कि जब हम वर्ड खोलते हैं तो टाइटल बार में क्या रहता है, तो बोलिएगा डॉक्यूमेंट वन। अगर एक्सेल खोलेंगे तो बुक वन, पावर पॉइंट खोलेंगे तो प्रेजेंटेशन वन। इसको कहते हैं हम लोग टोटल को मेनू बार। टोटल क्या बोलेंगे? मेनू बार। अलग अलग बोलते हैं मेनू नहीं तो टैब, मेनू नहीं तो टैब। जैसे होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू, मेलिंग मेनू, रिव्यू मेनू, व्यू मेनू। टोटल को हम लोग बोल सकते हैं मेनू बार, अलग अलग को बोलेंगे मेनू नहीं तो टैब, ठीक है। अब होम में इतना सारा है, बारी बारी हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान के चलिए इसमें हम लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, लिख दिया। अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट करना है। तो कर्सर है आपका कहाँ? लास्ट में। कर्सर कहाँ है? लास्ट में। हमको पूरा इसको लाइन को सेलेक्ट करना है। तो एक तो आपका इजी तरीका है कि शिफ्ट के साथ डायरेक्शन की का प्रयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड में आप जानते होंगे कि चार डायरेक्शन की होता है, ये इसको एरो की भी बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है, चार डायरेक्शन की है। या आप चाहते हैं जिसको एक ही बार में सेलेक्ट कर लें तो कर्सर है लास्ट में, तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस करें। कर्सर अगर आपका लास्ट में हो तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, और कर्सर अगर होम में है तो शिफ्ट के साथ इंड प्रेस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आज हम लोग जानते हैं फॉन्ट के बारे में। देखिए फॉन्ट क्या हो गया आपका? फॉन्ट मतलब क्या? लिखने का हैंडराइटिंग। जैसे हम लोग का कैसे अलग अलग हैंडराइटिंग है, उसी ढंग से कंप्यूटर में अलग अलग फॉन्ट के नाम से जाना जाएगा। जैसे देखिए एरियल ब्लैक हो गया। अब इसी को मान लिया हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी है। इसको नीचे हम मान लिया इंटर मार के पेस्ट कर दिया, ठीक है, फिर पेस्ट कर दिए। अब आप देखिएगा क्या फॉन्ट का है। तो एक तो हम फॉन्ट बदल ही दिए हैं, इसको जरा हम देखते हैं। मान लिया इसको हम कर देते हैं, सपोज मानिए अल्जेरियन कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लिया हम कर देते हैं, थोड़ा तो कोई कर्सिव लेटर लेना चाहते हैं तो कर्सिव लेटर भी ले सकते हैं, या देख लीजिए हम कौन सा मान लिया ऐसा लेते हैं। अब देखिए हम जूम करके हम दिखाते हैं आपको, तीनों में डिफरेंस है कि नहीं है डिफरेंस। तो इसी को हम लोग फॉन्ट बोलेंगे। फॉन्ट मतलब होता है लिखने का हैंडराइटिंग। फॉन्ट मतलब क्या हो गया? लिखने का हैंडराइटिंग। जैसे हम लोग का हैंडराइटिंग है, अलग अलग हैंडराइटिंग से हम लोग लिखते हैं, उसी ढंग से कंप्यूटर में अलग अलग फॉन्ट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या है इसमें? एक है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या करेगा? मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना। जैसे आप देखते होंगे कि मान लो कोई ये देखिए इस तरह का, ये साइज बहुत बड़ा है। इसको देख रहे हैं कि मान लिया हम इसको इतना कर दिया। देखिए तीनों में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉन्ट साइज, है ना, मैटर के साइज को छोटा बड़ा करना। जितना आपका ज़रूरत के हिसाब से कभी हम लोग बड़ा करते हैं, कभी छोटा करते हैं, तो ये आपका हो गया फॉन्ट साइज। यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका फॉन्ट साइज को बढ़ाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ से बढ़ रहा है, इस पर क्लिक करते जाइए, इससे आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। इसका एक शॉर्टकट भी है आपका बढ़ाने के लिए, क्या है? शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से साइज बढ़ेगा। शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से साइज बढ़ता है और शिफ्ट कंट्रोल लेस देन से साइज घटता है, ठीक है। तो हम ये आपका ये देखिए क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम है कि जो भी फॉर्मेटिंग दे दिए हैं उसको ये हटा देगा। अब कैसे भाई? तो इसको हम समझते हैं। सपोज मानिए हम इसमें, ठीक है, लिखते हैं कभी सपोज मानिए कि आपका ऐसा हो गया, कोई ऐसा कर दिया, इसको मान लीजिए बहुत छोटा कर दिया, इसको मान लीजिए बहुत बड़ा कर दिया। ये देखिए अच्छा तो लग नहीं रहा है, तो ख़राब लग रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको इसे सेलेक्ट कर लिया। या आप कंट्रोल ए के सहारे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। और यहाँ से आपका देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम है कि जो भी फॉर्मेटिंग दिए हुए हैं उस सारे को हटा कर एक नॉर्मल पोजीशन में ला देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम है जो भी फॉर्मेटिंग दिए हैं उस सारे को हटा कर एक नॉर्मल पोजीशन में रख देगा। देखिए ठीक है, आप देखते हैं यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, यहाँ से साइज बढ़ रहा है, यहाँ से साइज घट रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। बी फॉर बोल्ड, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
अब कोई अगर पूछेगा आपसे कि वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो 500% वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, 500%, और एक्सेल में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, 400%, और मिनिमम दोनों में वर्ड और एक्सेल में 10% कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो कंट्रोल स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं जूम, और नहीं तो देखें यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे ना, यहाँ इसके सहारे कम अधिक कर सकते हैं। या सबसे आसान तरीका जो है कंट्रोल और माउस का तीसरा बटन जो है स्क्रॉल बटन, उससे आप जूम कर सकते हैं, ठीक है, जूम आउट जूम इन सब हो जाएगा। ये बी फोर बोल्ड आई फोर इटालिक, देख रहे ना, तो बोल्ड का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल बी से क्या होता है आपका बोल्ड, ठीक है, इटाली का हो गया कंट्रोल आई, अंडरलाइन का हो गया कंट्रोल यू से अंडरलाइन, देखिए यहाँ से अंडरलाइन आ रहा है, अगर अंडरलाइन का स्टाइल मारना है तो देखिए यहाँ से अंडरलाइन का स्टाइल दिया हुआ बहुत सारा, अगर अंडरलाइन का कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन का आप कलर भी दे सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई भी कलर देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई अंडरलाइन हटा दें तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, जहाँ से आप दे रहे हैं ऑन ऑफ स्विच हो गया, जहाँ से दे रहे हैं वहीं से आपका हटेगा अभी। ये हो गया आपका स्ट्राइक थ्रू, देखिए कटा हुआ आ रहा है, देखा ना, तो ऐसा हम लोग को देखते होंगे यूज नहीं होता, ठीक है, इसी पर क्लिक कर देते हैं। ये का आपका सुपर स्किप सब स्किप दिया हुआ है, जैसे देखते हैं मान लो ए टू प्लस कैसे दे रहे हैं, शिफ्ट के साथ देंगे, पूछे क्यों, हर की में देखिए दो बटन दिया हुआ है, एक इक्वल टू दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है, इक्वल टू दीजिएगा जो डायरेक्ट है, और ऊपर वाला बात आपका कैसे देना है, शिफ्ट प्रेस करते हुए ऊपर दबा दिए तो प्लस का चिन्ह आ गया B2। अब आपको हो रहा है इसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाते हैं, तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो इसको 2 को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से करेंगे सुपर स्किप, देखिए चला गया, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल प्लस सुपर स्किप, अगर कोई पूछेगा कि सुपर स्किप का शॉर्टकट क्या होगा तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस, ठीक है, आप चाहते हैं कि दोनों को एक ही बार सुपर स्क्रिप्ट करें तो अभी अंडू कर दे रहे हैं हम, अंडू का कंट्रोल जेड, ठीक है, अंडू का काम है कि जो भी आप शुरुआती दौर में है उसको आप वैसा ला सकते हैं, ठीक है, देखिए अब इसको करना क्या है, इसको 2 को सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो लेकिन देखिए नहीं ना हो रहा है सेलेक्ट, तो इसको लिए करना क्या है आपको, एक को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल के साथ आपका मल्टीपल सेलेक्ट होता है, और यहाँ से आप सुपर स्किप कर दिए, या आप शॉर्टकट लगा दीजिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस, उसे क्या होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आपका देखिए सब स्क्रिप्ट है, जैसे H2O, तो H2O में 2 हम चाहते हैं कि नीचे कर दे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए, और देखिए यहाँ से सब स्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट है आपका कंट्रोल इक्वल टू से आपका क्या हो गया सब स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या जान गए, बोल्ड भी जान गए, इटैलिक जान गए, अंडरलाइन जान गए, स्ट्राइक थ्रू जान गए, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जान गए। अब हम एक करते हैं आपका चेंज केस, देखिए चेंज केस क्या है आपका, मान लिया हम लिखते हैं इसमें राम इज ए गुड बॉय, लिख दिए, इसको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के सहारे, देखिए चेंज केस में 5 केस है, एक है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, तो देखिए सेंटेंस केस जो हो गया इस तरह का आ गया, एक आपका लोअर केस सब स्मॉल लेटर में आ रहा है, एक आपका अपर केस है सारा कैपिटल लेटर में आ रहा है, ठीक है, एक आप देख रहे हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें देख रहे हैं शुरुआत का लेटर सब देख रहे हैं कि बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, राम का देखिए आर बड़ा है, ईज में आई बड़ा है, ये है गुड का जी बड़ा है, बॉय में बी बड़ा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग का कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक है पर टॉगल केस, शुरुआत का लेटर देख रहे हैं सब छोटा है, तो इस तरह से आप 5 केस का प्रयोग कर सकते हैं। एक है आपका सेंटेंस केस इस तरह का आ गया, एक है आपका लोअर केस सब स्मॉल लेटर में, अपर केस देख रहे हैं सारा कैपिटल लेटर में, कैपिटलाइज ईच वर्ड में शुरुआत का लेटर बड़ा हो रहा है, एक है आपका टॉगल केस। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप सेंटेंस केस भी बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर, देखिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, देखिए देख रहे हैं इस तरह से आपका टेक्स्ट हाईलाइट, तो देखते होंगे कोई चीज़ को हमको हाईलाइट करके दिखाना है तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे देखिए आप कैसे इसका प्रयोग कर लीजिएगा, मान के चले कभी कभी देखते होंगे जैसे इक्वल टू आर एन डी,
आर एन डी ओपन क्लोज बैक कर दीजिएगा ना, तो ये बना बनाया पैराग्राफ आपको हर एक सिस्टम में मिल जाएगा। ऑफिस 2007 में ये आपको इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिस 2003 में, ऑफिस 2003 में द क्यूब प्रॉन फॉर जम्स ओवर द लिजिट होगा तो, लेकिन यहाँ पर आपका ये आ रहा पैराग्राफ, ये जो बना बनाया है हर एक सिस्टम में, इसको हम नहीं कि सेट किए हुए हैं, ये ऑलरेडी रहता है। बस क्या लिखना है आपको, इक्वल टू आर ए एन डी ओपन और क्लोज ब्रैकेट। देखिए एक बार फिर से लिख कर दिखाते हैं, इक्वल टू आर ए एन डी और सिप के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर मार देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान के चले इतना को हमको हाईलाइट दिखाना है, तब यहाँ से आप क्या करिएगा, देख रहे हैं ना, इस तरह से न्यूज़ वगैरह में आप देखते होंगे, इस तरह इसी को बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। एक आपका फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर मतलब लिखने का कलर, जैसे हम इतना सोच रहे हैं कि रेड में कर दें, देखिए रेड में हो गया, इतना हम चाह रहे हैं कि इसको हम कर दें ब्लू में, इस तरह का जैसा उपयोग करना है। एक आपको हम बताते हैं सेलेक्ट करने का एक तरीका और जानिए आप, अब तक तो हम लोग जानते थे कि इस तरह से सेलेक्ट होता है, यही जानते हैं, हमको कहना है कि इतना आधा जो है इधर देख रहे हैं, इतना साइड रेड हो जाए, इतना बीच का ग्रीन हो जाए, यहाँ ब्लू हो जाए, तो उसके लिए देखिए करना कुछ नहीं है, अल्ट प्रेस करके, देखिए अल्ट प्रेस करके आप इसको माउस के सहारे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इतना को हम रेड कर दिए, ठीक है, फिर इतना हम चाहते हैं कि ग्रीन कर दें, यहाँ से देखिए ग्रीन भी कर सकते हैं, जो करने का इच्छा है ब्लू करना ब्लू कर दीजिए। फिर आप चाहते हैं कि इतना को दूसरा कलर कर दें, ऑल्ट प्रेस किए हुए हैं, ऑल्ट प्रेस करके माउस से लैपटॉप को करना है, ठीक है, यहाँ से आपको मन है तो ऐसा दे दीजिए, ठीक है, इस तरह से देखिए अलग हो गया, बहुत यूनिक है ये, ठीक है।